के संदर्भ में तीन मैं पढ़ा चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और आज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की विशेषता ये है कि इसकी पहचान ये है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं जो कंटिन्यूअस की तरह, लेकिन इसमें समय दिया गया होता है, इसमें समय विशेषता है। सबसे पहले हम इसके प्रयोग कहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाता है, ये बताना इस प्रकार के सेंटेंसेस में जरूरी है। सबसे पहले हम लेते हैं फॉर का प्रयोग। फॉर हमेशा पीरियड ऑफ टाइम दर्शाता है, जैसे सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, साल, इन सब के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग होता है क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। इसके बाद यदि हमें सिंस का प्रयोग करना है तो सिंस मंडे, सिंस जनवरी 2000, यानी अगर संधि हो तो सन के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होता है, और 10 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, इसके साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होगा। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट नाइट, ये सब सिंस के साथ आते हैं क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। यदि हम इसमें लें तो क्या क्या इसमें नियम है और क्या इसमें विशेषता होती है। इसमें भूतकाल से कोई कार्य प्रारंभ होकर के वर्तमान तक जारी रहता है, भूतकाल में प्रारंभ होगा और वर्तमान तक जारी रहेगा। जैसे इसमें देखिए, सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद सहायक क्रिया आती है हैज बीन या हैव बीन, और उसके बाद मुख्य क्रिया आती है, और उसके बाद फॉर या सिंस का प्रयोग होता है समय के लिए। इसमें आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल कर्ताओं के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है, और मुख्य क्रिया जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग होती है और उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में और आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। देखें इसके सेंटेंसेस को, देखें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार से इसको बनाया जाता है। जैसे ये देख लीजिए, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो आई तो करता है, हैव बीन सहायक क्रिया है, प्लेइंग मुख्य क्रिया है, और फॉर 2 आवर्स, आवर्स के साथ हमेशा, मिनट के साथ भी, आवर्स के साथ भी हमेशा ही फॉर का प्रयोग होगा। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें सिंस का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसमें मंडे है, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे, यानी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मंडे नहीं, मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात मैं सुबह से खेल रहा हूँ। तो इस प्रकार के इवनिंग में, लास्ट नाइट में, सन के साथ, इन सब के साथ सिंस का प्रयोग होगा। अब इसी के नेगेटिव को देखिए, नेगेटिव में आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, तो इसमें क्या हुआ है कि हैव या हैज के बाद नॉट का प्रयोग होगा, हैव या हैज के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के सेंटेंसेज में हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग होगा, बीन उसके बाद होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में सहायक क्रिया प्रारंभ में आ जाती है लेकिन हैव या हैज शुरू में आता है और कर्ता के बाद बीन लगता है। जैसे हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। और यदि इसमें क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करना हो तब तो वाई शब्द, जैसे हर एक में वाई नहीं आएगा, क्वेश्चन वर्ड, ये मैंने उदाहरण के लिए दिया है वाई, बाकी क्वेश्चन वर्ड बहुत सारे होते हैं लेकिन उदाहरण के लिए मैंने दिया है वाई, वाई हैव आई बीन प्लेइंग
फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्यों खेल रहा हूँ, वाई हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। थैंक यू वेरी मच।